فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه लेकिन हर तलबा तालिबान के लिए जो है
अंजुमन इस्लाम से अफगान के तरफ से नकद 10,000 रुपये, सेकंड प्राइस जो है 7,000 रुपये, थर्ड प्राइस जो है 5,000 रुपये रखा गया था। हर तलबा हर तालिबान जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने हिस्सा लिया है वो काबिले मुबारकबाद है, जिन्होंने जीता है ये मुकाबला वो काबिले मुबारकबाद है, जिन्होंने नहीं जीता है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आगे जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम ने उन तलबा और तालिबात के लिए भी जो है हर एक के लिए जो है सर्टिफिकेट रखी हुई है। तकरीबन 12-13 महीने कबल मेरे बहुत ही अजीज शागिर्द रशीद जो इस अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम के सेक्रेटरी हैं और बेलगाम कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर हैं, मेरी मुराद अलहाज समीउल्लाह मानी वाले साहब से है। उनका फ़ोन आया कि अंजुमन के लिए एक तराना लिखें। मेरी क्या दिशा कि मैं तराना लिख पाता, ये सदरे अंजुमन सेक्रेटरी अंजुमन और तमाम मेम्बरान की मोहब्बत थी जिसने ये तराना मुझसे लिखवाया, वरना मैं बहुत पहले एक शेर मैंने कहा था कि अभी राही मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी मुझ में हज़ारों खामियाँ हैं। बहरकर जो एहसास मुझे यहाँ बख्शा गया उससे ये पता चलता है कि हम मुसलमानों में आज भी सराहने की काबिलियत बाकी है। कहा जाता है कि अगर कोई बंदा पैर में छुपा हुआ कांटा भी निकालता है तो उसका एहसान मान लेना चाहिए। इस खाक दाने आलम में रब्बे कदीर पर परवरदिगार आलम ने सारी खूबियों से लैस फरमाकर सारे कमालात से मुसय्यम फरमाकर सारे औसाफ हमीदा से मुसय्यम फरमाकर मुनस्सब फरमाकर आखिरी पैगंबर को 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, दोस्तों पाका दिन था, सुबह शादी का वक्त था, अब्दुल्ला के घर में आमिना की गोद में अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, उसी को ईद मिलाद कहते हैं। अल्लाह अकबर, हमें मकसद की तरफ नजर उठाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब वो इस्तेबदाद के खिलाफ पैगंबर को की बेअसर फरमाई थी, यकीनन जुल्मों से आजादी के खिलाफ अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए थे, जहालत और बर्बरियत के खिलाफ अल्लाह के पैगंबर चैलेंज बन कर आए थे। कोई अगले 1400 साल पहले एक इंकलाब आया था, एक तब्दीली आई थी, एक माहौल को बदलने का क्या एक जरिया बना था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी और वो आने वाले किस तरह आए। अल्लाह अकबर, कहने वालों ने कहा है हुस्न यूसुफ तन ऐसा यते बैठा दारी अति खुबा हमा दारन तो तनहा दारी। या रसूल अल्लाह आज हजर दुखान होते हैं सर पर कहूं की वाली को मौला कहूं तुझे पाके सलील का कुले से बात कहूं तुझे लेकिन रजा ने खत में सुखत इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहरहाल हजरत आदम आए आदमियत लेकर आए, हजरत यूनुस आए जबत लेकर आए, हजरत इब्राहिम आए शिद्दत लेकर आए, हजरत मूसा आए जवान लेकर आए, हजरत ईसा आए जलाल लेकर आए, हजरत यूसुफ आए हुस्न लेकर आए, लेकिन खुदा बंदे करीम ने वो सारे कमाला वो सारी खूबियां जो अलग अलग नबियों को दिया था एक जात मोहम्मद ने परवरदिगार आलम ने सारे कमाला को जमा कर दिया और फिर इरशाद फरमाया लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। लोगों, अल्लाह के नबी की जिंदगी पूरी कायनात के लिए यकीनन आइडियल है, नमूना है। अगर कामयाबी चाहिए मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करो, अगर कामरानी चाहिए मुस्तफा की इत्तबा करो, अगर फलाह और ज़फर चाहिए मुस्तफा की गुलामी करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है अभी कुरान बाकी है। काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बनना चाहता इस मौके पर, यहीं पे रोकता हूँ। एक मुझे छोटा सा वाकया याद आ गया, बच्चों को भी समझ में आएगा। एक बकरी का बच्चा
एक पानी के जहर में पानी पी रहा था, मासूम बच्चा, कितने में एक भेड़िया लांडा भेड़िया आके बाजू खड़ा हो गया। अब वक्त आ गया है हिसाब चुकाने का, तो मासूम बच्चे ने पूछा, मैंने क्या किया है कि मुझसे हिसाब चुकाने आए हो? तो भेड़िया अब सोचा, तू मेरा पानी झूठा कर रहा है जो मैं पीना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे खाना चाहता हूँ। बच्चा भी बहुत अकलमंद था, उसने कहा, आप तो ऊपर का पानी पी रहे हैं, आपका झूठा मैं पी रहा हूँ नीचे, तो ये कैसा हो सकता है कि मेरा झूठा आप पी सकते? चमक गए भेड़िया, बोला, पिछले साल तेरी माँ ने ऊपर पानी पिया था, उसका झूठा मैं पी रहा हूँ, इसलिए मैं आज तुझे खाना चाहता हूँ। आज हालात ऐसे ही हो चुके हैं। 400 या 500 साल पहले कोई बादशाह जंग में कोई ज्यादती किया होगा, कोई इमारत तोड़ा होगा, कोई गैर कानूनी काम किया होगा, इसलिए आज 400-500 साल के बाद हमें जिम्मेदार क्यों खड़ाते करे करते, ये सोचने की बात है। ना समझ जिसका किरदार नहीं है, वैसा ही शख्स ऐसा सोच सकता है कि 1000 साल पहले जो आपने किए उसके आज आपको भुगतना पड़ेगा। ये दुनिया में कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता। बहरहाल हालात ऐसे हैं कि आने वाले दिनों में हमें ऐसे ही मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा। इस वक्त सिर्फ हमें हमारा ईमान बचा सकता है, हमारी अकल हमें बचा सकती है, हमारी हिम्मत हमें बचा सकती है, और हमारे नुमाइंदे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गवर्नमेंट में आ सके तो वो हमें बचा सकते हैं। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 100 बार इंग्लिश में कहावत है, इफ अ लाई इज रिपीटेड 100 टाइम्स इट बिकम्स अ ट्रुथ। तो 100 बार आपको एक छोटा व्हाट्सएप जब आता है तो हम लोग समझते हैं कि वही सच्चाई है। ऐसा ही हो रहा है। उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ हमें अपना एंटी प्रोपेगेंडा शुरू करने का अब होता है। हमें सब मिलके एक होके हमारे नुमाइंदे बेलगाम, गुलबर्गा, हुबली, धारवाड़, बेंगलोर, एक 20 या 25 MLA अगर हमारे गवर्नमेंट में आ सके, चंद 2-3 मिनिस्टर भी हमारे वहाँ हो सके, तो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ वहाँ तक ये लोग पहुँचा सकेंगे और हमें आज़ादी की जिंदगी सचमुच में जीने का चल रहे हैं क्या? हम जो भाई
भाई अपना पूरी तकलीफ में है कि उसकी मदद के लिए आ रहे हैं, क्या हमारा कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा रहे हैं, क्या हम हमारे बुजुर्ग की हमारे ग्राम की इज्जत कर रहे हैं, ये सब चीजें सिर्फ हम अपने आप से ही पूछ सकते हैं और जवाब अपने अंदर ही रख सकते हैं। जवाब जब आता है अपने अंदर से तो आगे क्या करना वो भी खुद को ही मालूम है। इस वक्त भारत और पूरी आलमी दुनिया के जो हालात हैं वो सबके सामने मुसलमानों को एक पॉलिसी बनाकर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। मुसलमान कैसी पॉलिसी बनाएंगे? अभी इतनी मरतबा हमने आयत सुनी, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन, तुम्हारे लिए कोई ज़ात नमूना हो सकती है तो वो सरकार दो आलम फ़ख्र बनी आदम सैयद उल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। मुसलमानों की इस मुल्क में क्या पॉलिसी होना चाहिए, मैं चंद नुकूश की तरह इशारा करना चाहता हूँ। यहाँ शहर के जिम्मेदार भी हैं, मस्जिदों के जिम्मेदार भी हैं, अगर इस पॉलिसी के मुताबिक हम काम नहीं करेंगे तो शायद किसी मुल्क में हम इज्जत के साथ न जी सकेंगे ना अपनी तारीख बना सकेंगे। मैं आपको नुकूश का इशारा दे रहा हूँ, याद करो उस वक्त को जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए, आपने एक पॉलिसी पर काम किया। सबसे पहले आपने मस्जिद तामीर की, मस्जिद के मुताबिक मस्जिद तामीर करने के बाद उसको 24 घंटे के लिए इस्तेमाल फरमाया और आज हमारी मस्जिदें सिर्फ चंद घंटों के लिए खुली रहती हैं, बाद में बंद होती है। अल्लाह के रसूल की पॉलिसी कैसी थी, आप सिर्फ मस्जिद नबवी की तारीख पढ़िए। सबसे पहले पॉलिसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आपने मस्जिद को तालीम और तरबियत की जगह बनाया, वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती थी, वहाँ तहज्जुद भी होती थी, वहाँ सुन्नत और नवाफिल का अहतमाम भी होता था, वहाँ एजुकेशन का काम होता था। मुसलमानों की इस ज़माने में अगर कोई पॉलिसी होनी चाहिए, ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का ये अमल है। मुसलमान 50 साल के लिए अपनी पॉलिसी में पहली चीज़ एजुकेशन रखे। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी को एक एजुकेशन सेंटर बनाया। आप देखिए दिन भर वहाँ नमाजें पढ़ी जाती थी, आपने उसी जगह एक चबूतरा कायम फरमाया जो रात में दिन भर तालीम हासिल करने वालों की इकामत गाह भी थी, बेघरों के लिए आराम की जगह भी थी। कितने लोग जो अनपढ़ होते थे मस्जिद नबवी में आकर पढ़ना लिखना सीखते थे, दिल बदलते थे, जिंदगी बदलते थे। रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फख्र बेलगाम कहते हैं, रूह कहते हैं, जान कहते हैं, फख्र बेलगाम कहते हैं, ये ऐसी शख्सियत के मालिक है खामोशी जुर्म है इस दौर में कहना सीखो, खामोशी जुर्म है इस दौर में कहना सीखो, वरना मिट जाओगे इस हालात के तूफानों में। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। खुदा से क्या नाम है आपका? रईस अहमद कुंडिया वाले। क्या करते हैं आपके? टीचर है इस्लामिया स्कूल में। इस्लामिया स्कूल में टीचर है। आप टीचर हैं क्या? वो टीचर माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब जितने भी हाजिर यहाँ हैं इस बच्चे के लिए दुआएं करें और हमें तो इसमें शर्मिंदा कर दिया है। इसकी बातों ने हमें शर्मिंदा कर दिया है और आपकी हर बात, हर एक बात जो भी है सबके दिल में गई है।
आप बेफिक्र रहिए, आप ऐसे ही लगे रहिए, हम सुधरते जाएंगे आपकी बातें Shut